हैदराबाद कासिमाबाद में रमादान होटल अपार्टमेंट की लॉन्चिंग सेरेमनी तकरीब का इनेकाद किया गया। जिसमें बहुत से बिल्डर्स, सियासी, सामाजिक और हैदराबाद की आवाम ने शिरकत की। रमादान होटल अपार्टमेंट के सीईओ उबैद राजपूत की काविशों को सराहा गया। उबैद राजपूत और दीगर ने H22 न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैद राजपूत है, मैं डायरेक्टर हूँ MH बिल्डर डेवलपर्स में। आज हमारे प्रोजेक्ट DR होटल मॉल एंड अपार्टमेंट की लॉन्चिंग सेरेमनी थी। हमें माशाल्लाह हैदराबाद ने बड़ा अच्छा हमेशा रिस्पॉन्स देते हैं, मोहब्बत देते हैं, वैसे ही आज हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ये ग्राउंड प्लस 8 का प्रोजेक्ट है, इसमें हमने कोलैबोरेशन किया है एक इंटरनेशनल होटल चेन के साथ। होटल इंडस्ट्री हैदराबाद में थी नहीं, तो इसकी कमी बहुत शिद्दत से हैदराबाद को महसूस हुई, तो हमने इसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक इंटरनेशनल चेन से बात की, जमादा भाई विंडम से, और उन्हें हैदराबाद लेकर आ गए। तो अब इंशाल्लाह हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट है और विदिन 4 ईयर हम इसको ऑपरेशन में ले आएंगे, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान और मैं जनरल मैनेजर हूँ अब्दुल्ला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। आज जो लॉन्चिंग सेरेमनी है DR रमादा हैदराबाद की, और ये बड़ी खुशी का दिन है हैदराबाद के लिए कि हैदराबाद में एक बड़ा गैप था जो आज फिल हुआ, एक इंटरनेशनल चेन जो है वो यहाँ पे आई, और इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ MH बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को कि वो हैदराबाद में उन्होंने हैदराबाद की डेवलपमेंट में एक इतना अच्छा स्टेप लिया। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है, मैं एक्स वाइस चेयरमैन हूँ का। आज जो ये प्रोजेक्ट का अफ्ताह हुआ है रमादा अपार्टमेंट एंड होटल का, ये हैदराबाद की खूबसूरती में इंशाल्लाह ताला इजाफा करेगा और जो रोज़गार के ज़राए हैं इंशाल्लाह ताला वो बढ़ाएगा, और हैदराबाद की मीशत में इंशाल्लाह ये बड़ा इसका अहम किरदार होगा। हैदराबाद को इस किस्म के प्रोजेक्ट की बड़ी ज़रूरत थी, जिसको देखते हुए MH बिल्डर ने ये प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन किया, और ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें अपार्टमेंट्स भी होंगे, शॉपिंग मॉल भी होगा और होटल भी होगा, और ये 4-स्टार रमादा इंटरनेशनल होटल है। और इसमें मैं शुक्रिया अदा करूँगा और मुबारकबाद दूँगा उबैद राजपूत को कि जिसने तमाम अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए लंदन में बिज़नेस करने के अलावा इस्लामाबाद, कराची के अलावा हैदराबाद के लिए ये सोचा कि इस किस्म का प्रोजेक्ट हैदराबाद में हो। और हैदराबाद में अब आप देखिएगा कि कंपटीशन का दौर चलेगा और तमाम इंटरनेशनल चेन्स जो हैं वो हैदराबाद में अब जगह ढूंढेंगे कि हमें भी यहाँ पर जो है होटल्स बनाना है। इंशाल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि हैदराबाद ये कामयाब करे और हैदराबाद की तरक्की। महबूब अली अपलो रियल इस्टेट से ताल्लुक़ है मेरा। आज का प्रोग्राम, रमादा का प्रोग्राम जो है ये न सिर्फ हैदराबाद की बेहतरी के लिए, क्योंकि हैदराबाद में 4-स्टार होटल का कोई पहले मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल गेम्स और इंटरनेशनल कोई प्रोग्राम्स नहीं हो सकते थे, तो इसकी वजह से एक तो हैदराबाद को फ़ायदा होगा, अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो सकेगी, इंटरनेशनल जो टीमें और दूसरे जो इवेंट्स होते थे वो भी आराम से हो सकेंगे, और इसकी वजह से ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरी सिंध को फायदा होगा, और पूरी सिंध इंशाल्लाह इस रमादा को रिएक्शन देगी, सपोर्ट देगी, और इंशाल्लाह रमादा की कामयाबी हैदराबाद की सिंध की कामयाबी।